सिंस मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज, क्या प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के स्टार? क्या होता है, खास का जलवा नॉर्थ सर्किट में चलता है, साउथ सर्किट में उतना नहीं चलता है, या फिर साउथ एक्टर्स का जलवा नॉर्थ सर्किट में उतना नहीं चलता है? तो अफकोर्स ये डिवाइड एंड गैप हमेशा रहता है, लेकिन 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 प्रभास ने ये डिवाइड गैप हटा दिया है। याद होगा बाहुबली जब आई थी तो उसने सिर्फ बाहुबली, जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, उस फिल्म ने भी हिंदी वर्जन में 100 करोड़ की कमाई की थी, राइट? उसके बाद तो कहीं रुकना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि बाहुबली 2 ने अकेले हिंदी वर्जन में आके दांतों तले चने चबा दिए सभी के, और प्रोड्यूसर पागल हो गए, भाई क्या बना दिया इस बंदे, मतलब क्या होशियारी कर दी आशीष राजा मौली ने। 511 करोड़ का कलेक्शन पहुंचा, 511 करोड़ भाई, अपने आप में ये फिल्म एपिक फिल्म कही गई, क्योंकि इस फिल्म में जान झोंक दी गई एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। इस फिल्म में एक्शन भी था, आर्टिस्टिक भी चीजें थी, और फीलिंग्स भी था, और स्टोरी भी लग रहा था कि कुछ महाभारत, कुछ है ना रामायण, कुछ एक बड़ी जो स्टोरी होती है ना फाइटिंग वाली, उस स्टोरी का भी फील था, तो सब चीजों का निचोड़ था, और हर एक कैरेक्टर इंसान कभी भूलेगा नहीं, ऐसी फिल्म थी। और उसके बाद प्रभास को जो पॉपुलैरिटी मिली उसके बाद से, वो पॉपुलैरिटी अभी तक बदस्तूर जारी है। तो कल भी मुझे किसी ने कमेंट कहा था, कमेंट में कहा था कि सूर्य के प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है, तो मैंने कहा था मे बी। तो यहां पर एक बंदा है, नॉट बंदा, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जिसका नाम है आनंद कुमार, जो बहुत ही जल्दी आई थिंक बाइचिंग बुटिया की बायोपिक बनाने वाला है, जो बॉलीवुड के साइड का ही प्रोड्यूसर, आई मीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। आनंद कुमार का कहना है कि वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं इंडिया में, वैसे तो रजनीकांत भी है, वैसे तो हमारे बॉलीवुड के खान्स भी है, लेकिन प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है, ये उनका कहना है, ठीक है? क्योंकि उनका जो जलवा साहो का देखने को मिल रहा है, जो बाहुबली 2 का था, उसके बाद सीसी बादल प्रभास एक पैन इंडिया स्टार, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसकी फिल्में चलती हो, उस तरह के स्टार बन चुके हैं। तो आनंद कुमार की राय से मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एग्री हूं, क्योंकि अगर आप कैरियर उठाकर देख लीजिए किसी भी एक्टर का, तो आप देखेंगे कि किसी का नॉर्थ में अच्छा चला, किसी का साउथ में अच्छा चला, पूरे इंडिया में बहुत ही कम एक्टर है या फिल्म है जिनकी बहुत अच्छी तरह से चलती है। आप देखो कुछ ही गिनी चुनी फिल्में होगी, आप देखो बाहुबली 2, उसके बाद आप एक दो और फिल्में देख लो, और उसके बाद आप देख लो KGF, कुछ ही फिल्म ऑल ओवर इंडिया चली है। तो ये एक जो पैन इंडिया वाला जो फील है, बहुत ही कम एक्टर उसे पा लेते हैं, और कहीं ना कहीं प्रभास इस मामले में सभी से आगे है, इस तरह का कहना है आनंद कुमार का। और कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो एग्रीइंग, क्योंकि यार एक बंदा आता है साउथ इंडस्ट्री से, उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, अचानक बाहुबली आती है, फिर बाहुबली 2 आती है, पूरे इंडिया का नजरिया चेंज हो जाता है। जो बॉलीवुड वेबसाइट साउथ के खबरें डालने के लिए हिचकती थी, आज वो बॉलीवुड वेबसाइट सबसे पहले खबर डालती है कि प्रभास इस फिल्म में आ रहा है, उस फिल्म में वो आ रहा है, उस फिल्म में पवन कल्याण आ रहे हैं, इस फिल्म में विजय थलापति विजय आ रहे, इस फिल्म में थलाजीत आ रहे। तो ये सब चेंज हुआ, एक बड़ी बात है। सो आई थिंक प्रभास इज ए पैन इंडिया स्टार, एज आनंद कुमार से आई एम ऑल्सो एग्रींग टू सम वर्ड, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं एग्री ना करूं, इधर मैं किसी को ऊपर नीचे छोटा ऊपर दिखाना नहीं चाहता, बट यस आई गो विद द फ्लो विद आनंद कुमार, जिन्होंने कहा कि प्रभास इज ए पैन इंडिया स्टार। अभी क्या राय लगती है जरूर बताइए इस बारे में, क्या सच में प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है या नहीं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।